Welcome back, users, to the second part of lecture 2. पिछले पार्ट फर्स्ट में हमने एप्लीकेशन लेयर सेशन प्रेजेंटेशन लेयर की बात की. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेशन लेयर है. द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप मैनेजिंग एंड डिसमेंटलिंग सेशंस बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंटिटीज. इट कीप्स यूजर डेटा सेपरेट. Dialog control between devices also occurs at this layer. Communication between host various applications at the session layer is from a client to a server is coordinated and organized through three different modes: simplex, half duplex and full duplex. As a students, session layer jo hoti hai SI model ki wo रिस्पॉन्सिबल होती है सेशन क्रिएट करने की, उसको मेंटेन करने की. और फिर जब आपका काम हो जाता है, आप अपना मैसेज, आपके मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो सेशन को वो ख़त्म कर देता है. सेशन ज़रूरी होते हैं आपके जो यूज़र्स का डेटा होता है या आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं आपके सिस्टम के ऊपर, उसका उनका डेटा जो है उसको वो सेपरेट रखने के लिए. आप इसके साथ आपको फेमिलियरिटी होगी, आपको पता है कि आप एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, न्यूज़ के वेबसाइट्स को ओपन किया होता है, सोशल मीडिया ओपन किया होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी न्यूज़ वेबसाइट्स को आप ओपन कर चुके होते हैं. इसके अलावा चैट्स वगैरह, चैट फॉर्म्स को आप लोगों ने ओपन किया होता है, या डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हो रहे होते हैं जो कि डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ सर्वर्स को कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे डेटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं. अब अगर सेशन लेयर ना होती तो आपका ये जो डेटा इंटरनेट के ऊपर आ रहा होता है तो वो मिक्सअप हो सकता था, लेकिन सेशन लेयर ऐसा नहीं करता. सेशन लेयर जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम का डेटा जो होता है उसको वो फॉरवर्ड कर देता है. डायलॉग कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी होता है सेशन लेयर. यहाँ पे हमने बात की कि जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो तीन डिफरेंट मोड्स इसके लिए होते हैं. एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एंड द अदर वन इज़ फुल डुप्लेक्स. सिंप्लेक्स इज सिंपल वन वे कम्युनिकेशन, काइंड ऑफ लाइक सेइंग समथिंग एंड नॉट गेटिंग अ रिप्लाई. ठीक है, सिंप्लेक्स जो होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है. जैसे आप लोगों को एग्जांपल दूंगा डेली लाइफ से, आपका जो टीवी सेट होता है, ठीक है, टीवी स्टेशन से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आप यहाँ पे उसको वॉच कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को. ऐसा नहीं होता कि आपका टीवी सेट जो है वापस कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके टीवी स्टेशन के साथ. इसी तरीके से रेडियो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन आ रही होती है रेडियो आपका, उसको प्ले कर रहा होता है, आपके रेडियो से वापस जो है वो इंफॉर्मेशन आपके रेडियो स्टेशन पे नहीं जा रही होती है. द अदर वन इज़ हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स इज एक्चुअल टू वे कम्युनिकेशन, बट इट कैन टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, प्रिवेंटिंग द इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिटिंग डिवाइस. इट इज़ लाइक व्हेन पायलट्स एंड शिप कैप्टन्स कम्युनिकेट ओवर देयर रेडियोज आर इवन अ वॉकी टॉकी. ठीक है, हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक टाइम में वन वे कम्युनिकेशन होगी. एक टाइम में एक सेंडर होगा तो दूसरा रिसीवर होगा. इसकी एग्जांपल आपकी वॉकी टॉकी होगी, पुलिस प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके पास जो वायरलेस सेट होते हैं, क्योंकि उसमें आप देख चुके होंगे मूवीज़ में, आप देख चुके होंगे कि वायरलेस के ऊपर जब एक बात कर रहा होता है तो दूसरा उसको लिसन कर रहा होता है, और जब दूसरे को बात करनी होती है तो वो बोल रहा होता है, फिर पहला वाला जो है तो उसको लिसन कर रहा होता है. तो ये जो हाफ डुप्लेक्स है it's like a two way communication but not at the same time, it's one way communication at one time. Acha, full duplex is exactly like a real conversation where devices can transmit and receive at the same time, much like two people arguing or interrupting each other during a telephone conversation. Sabse behtareen jo hai, jo latest hai aapki full duplex communication hai, full duplex mode communication hai. उसमें ये होता है कि एट द सेम टाइम दोनों बोल सकते हैं, एक दूसरे की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर सकते हैं. तो ये हमारा सेशन लेयर था. आगे चल के देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को.
ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्विसेज लोकेटेड एट दिस लेयर टेक ऑल द वेरियस डेटा रिसीव फ्रॉम अपर लेयर एप्लीकेशंस देन कंबाइंड इट इनटू द सेम कंसाइज डेटा स्ट्रीम. दीज प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड एंड टू एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड कैन एस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सेंडिंग होस्ट एंड डेस्टिनेशन होस्ट ऑन एन इंटरनेटवर्क. द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स एंड रीअसेंबल्स डेटा इनटू अ सिंगल डेटा स्ट्रीम. A pair of well-known protocols called TCP Transmission Control Protocol and UDP User Datagram Protocol are implemented at this layer. The transport layer can either be connectionless or connection-oriented. It depends whether you are using TCP or UDP. Reliable networking requires that acknowledgements, sequencing, and flow control will all be used. The transport layer is responsible for providing mechanism for multiplexing upper layers applications, establishing sessions, and tearing down virtual circuits called sessions. It can also hide the details of network dependent information from the higher level as well as provide transparent data transfer. अच्छा, यूजर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो ये चीज़ है कि हमने बात की कि आपका जो कनेक्शन होगा वो इट विल बी इधर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल इस लेयर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, TCP यूज़ कर रहे हैं या यूज़र डेटाग्राम UDP यूज़ कर रहे हैं. अगर आप तो TCP यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स यूर कम्युनिकेशन दिस लेयर इज कनेक्शन ओरिएंटेड. आप थ्री वे हैंडशेक, अभी हम आगे जाके बात करेंगे, आप थ्री वे हैंडशेक के जरिए पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं नेटवर्क के ऊपर. और यूजर डेटाग्राम या UDP जो है वो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, उसमें एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होती. ठीक है, आपका जो सेंडर होता है वो डेटा सेंड कर रहा होता है और वहाँ से रिसीविंग एंड से कोई एक्नॉलेजमेंट्स नहीं आ रही होती है कि आपका डेटा वहाँ पर सही सलामत पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा होता. दूसरी बात हमने जो इसमें की कि एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ें भी अभी हम आगे जाके इस लेक्चर में पढ़ेंगे. एक्नॉलेजमेंट्स जो होती है वो ज़रूरी होती है कि आप जो पैकेट्स भेज रहे हैं, ये जो UDP सॉरी PDUs भेज रहे हैं, जो डेटा आप भेज रहे हैं वो सही सलामत रिसीवर को मिल रहा है या नहीं. ठीक है, तो उसके लिए रिसीविंग एंड से एक्नॉलेजमेंट्स आते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि मुझे फलां फलां के PDUs मिल चुके हैं. सीक्वेंसिंग जो है वो ऑर्डर के लिए होते हैं कि जिस ऑर्डर में आप सेंडर जो है उसको सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है. और फ्लो कंट्रोल भी होता है, ज़रूरी होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. बाज़ों का तो ऐसा होता है कि जो सेंडर डिवाइस होती है उसकी कैपेसिटीज रिसीविंग डिवाइस से अलग होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है. तो मे बी सेंडर जो है वो डेटा को बहुत फास्ट वे में सेंड कर रहा होता है और जो रिसीवर है वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो डेटा लॉस्ट होने की चांसेस हो सकते हैं. तो वो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, तो उसको भी हम इसी लेक्चर में पढ़ते हैं. रिमेंबर वी सेड अर्लियर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी टू ट्रांसमिशन. सो द डिस्टिंक्शन लाइज वेदर द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज़ेस TCP या UDP in designing their products for this layer. As TCP is reliable while UDP is not, we talk about these two protocols in detail later in this lecture. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन. ठीक है, हमने बात की कि आपकी जो कम्युनिकेशन इस लेयर पे होगी वो या तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगी या कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होगी. For reliable transport to occur, a device that wants to transmit must first establish a connection-oriented communication session with a remote device. Its peer system, knows is a call setup or a three-way handshake. Once this process is complete, the data transfer occurs, and when it is finished, a call termination takes place to tear down the virtual circuit. A service is considered connection-oriented if it has the following characteristics. A virtual circuit or three-way handshake is set up. It uses sequencing, it uses acknowledgements, it uses flow control. Students, हमने बात की कि connection oriented communication में सबसे पहला काम जो होता है वो आप एक connection को build करते हैं using the three-way handshake method.
फिर उसके बाद आप डेटा सेंड करते हैं, और जब आप डेटा सेंड करना आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उस कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के लिए तीन चीज़ें, चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो थ्री वे हैंडशेक इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सीक्वेंसिंग का फिनोमेना होना चाहिए, प्रोसीजर होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट्स होनी चाहिए, और आपके साथ फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्री वे हैंडशेक मैकेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर्स के, आपको एक फिगर दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें एक सेंडर डिवाइस है, दूसरा रिसीवर डिवाइस है। इसमें अगर आप देखें, पहला सिंक्रोनाइजेशन के लिए पहले रिक्वेस्ट जाती है सेंडर की तरफ से रिसीवर के पास, उसके बाद रिसीविंग एंड से सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट आती है, ठीक है, ये जो डेटा सेंडर ने भेजा रिसीवर को, रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देता है सेंडर के पास, और फिर सेंडर जो है वापस एक्नॉलेज करता है रिसीविंग एंड को। तो ये आप देख सकते हैं थ्री वे हैंडशेक मैकेनिज्म है, इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, कैपेसिटी की बात की जाती है, और एक सेफ़ कम्युनिकेशन कनेक्शन बिल्ड कर दिया जाता है, और उसके बाद एक्चुअल जो डेटा है वो कम्युनिकेट होना स्टार्ट कर देता है। तो यही सारी बातें जो है स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है। द फर्स्ट कनेक्शन एग्रीमेंट सेगमेंट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, द नेक्स्ट सेगमेंट एक्नॉलेज द रिक्वेस्ट एंड इस्टेब्लिश कनेक्शन पैरामीटर्स, द रूल्स बिटवीन होस्ट, ठीक है, प्रोटोकॉल्स की बात की जाती है। दीज सेगमेंट्स रिक्वेस्ट दैट द रिसीवर सिक्वेंसिंग इज सिंक्रोनाइज हियर एज वेल एज दैट अ बाई डायरेक्शनल कनेक्शन कैन बी फॉर्म। द फाइनल सेगमेंट इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट which notifies the destination host that the connection agreement has been accepted and the actual connection has been established. Data transfer can now begin. Flow control की अगर हम बात करें तो since floods and losing data can both be tragic, we have a fail-safe solution in place known as flow control. The purpose of flow control is to provide a way for the receiving device to control the amount of data sent by the sender. Its job is to ensure data integrity at the transport layer by allowing applications to request reliable data transport between systems. Flow control prevents a sending host on one side of the connection from overflowing the buffers in the receiving host. Reliable data transport employs a connection-oriented communication session between systems, and the protocols involved ensures that the following will be achieved. The segments delivered are acknowledged back to the sender upon their reception. Any segments not acknowledged are retransmitted. Segments are sequenced back into their proper order upon arrival at their destination. A manageable data flow is maintained in order to avoid congestion, overloading, आर वर्स डेटा लॉस। फ्लो कंट्रोल की हमने स्टूडेंट्स बात की कि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होता है उसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो डेटा लॉस हो सकता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, डेटा लॉस को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो वो पूरी करनी होती है। उसमें ये है कि जो आपके सेगमेंट्स जो होते हैं जब वो डिलीवर हो जाते हैं रिसीविंग एंड पे, तो उस रिसीवर जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को, और इसके अलावा जो सेगमेंट्स लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द वे, तो उसको दोबारा भी ट्रांसमिट किया जाएगा, और जब सेगमेंट्स रिसीव हो जाते हैं रिसीविंग एंड पे, तो उसको ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में रखा जाएगा, जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में उसको सेंड किया गया होते हैं डेटा को, जिस ऑर्डर में सेंड किया गया होता है उसी ऑर्डर में उसको रिसीविंग एंड पे दोबारा री ऑर्डर कर दिया जाता है। और इसके अलावा अ मैनेजेबल डेटा फ्लो इज मेंटेन टू अवॉइड कंजेशन, के आप जो है ओवर बर्डन ना करते, ओवरलोड ना करते, या डेटा लॉस ना हो जाए रिसीविंग एंड पे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा पार्ट सेकंड था, मिलते हैं ब्रेक के बाद पार्ट थर्ड। थैंक यू।